दोस्तों आईपीएल 2024 का 16वां मुकाबला अब से बस कुछ ही देर में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा और ये मैच विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है और इस मैच को जीतकर केकेआर की टीम इस सीजन अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की टीम भी अपना विजय क्रम जारी रखना चाहेगी। दिल्ली ने इसी मैदान पर पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग को हराकर उसका विजय रथ रोका था। वहीं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि कोलकाता और दिल्ली के बीच होने वाले इस मैच में पिच कैसी रहने वाली है, इस मैच में चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी या फिर गेंदबाज अपना भौकाल मचाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, जबकि इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है लेकिन दूसरी पारी में फ्लडलाइट के अंदर स्पिन गेंदबाजों की गेंद भी टर्न होने लगती है। पिच काफ़ी सपाट है जिसके कारण खूब चौके और छक्के लगने की उम्मीद है और इसलिए इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। आप सभी को बता दें कि इस स्टेडियम में अब तक कुल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 7 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है जबकि 7 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। तो दोस्तों दिल्ली और कोलकाता के बीच होने वाले इस मैच में हम सभी लोगों को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बताएं कि आपको क्या लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कितना रन बनाएगी, क्या वो 200 का आंकड़ा पार करेगी। अपनी राय दोस्तों हमें नीचे जरूर दें।